इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये एहसास हो चुका कि मुझे एक कैमरामैन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। खैर छोड़ते हैं इन बातों को, आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हम चले दुल्हन लाने। हे गाइज, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो हम जा रहे हैं अभी दुल्हन को लाने के लिए, जो कि हुई थी शादी। और मेरे शादी वाले ब्लॉग्स अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखना। और ये वही शादी है, तो इसके लिए जो वो पग फेरे वाला रस्म होता है, वो जो दुल्हन की विदाई वगैरह वाला होता है, दुल्हन की शादी हो जाता है, शादी होने के बाद क्या होता है, फिर दुल्हन को माँ के घर जाती है नेक्स्ट, फिर हम लोग उसको जाके उसके माँ के घर से फिर लेके आते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी वही वाला चीज़ करने जा रहे हैं। सो उसके लिए हम आके सबसे पहले पहुँचे खाने के टेबल पे, सीधा आके पहुँचे थे यहाँ पे। सब यहाँ पे खाने के लिए बैठ चुका है, बस हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं नुहा के लिए दूध बोतल घर से लेके गई थी, तो ये उसको मैं पिला रही थी, क्योंकि इसका पेट, क्योंकि खाना वाना खाती रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका पेट भर देते तभी ये शांति से रहेगी, नहीं तो ये सबको परेशान करेगी। तो ये पूरा शांत हो गई, उसके बाद हम करेंगे अपना पेट पूजा। उससे पहले आ गई ये टिफ़िन सारी, तो ये मैं सारा निकाल निकाल के नुहा को दिखा रही थी और पूछ रही थी कि इसमें से तुम्हें क्या खाना है। तो उसने सिलेक्ट किया अपने लिए अंडा। सो मैं अंडा को फोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी बट मुझसे नहीं फूटा वहाँ, तो मुझे आइडिया कि टेबल में फोड़ने से फूटेगा। फिर मैंने फोड़ा, फिर से फटाफट से मैंने इसका जो भी उतर होता है छिलका वगैरह जो भी है इसको निकाला बाहर। उसके बाद मैंने इसे दिया नुहा को, फिर नुहा ने इसे खाया, उसके बाद हम भी खाए खाना और जो भी था हमने अपना वो सारा ख़त्म किया। उसके बाद हम पहुंचे सीधा घर के तरफ और जाके यहाँ पे जो पान का होता है क्या उसको, सौंफ सुपारी, वो हमने खाया। उसके बाद फिर हम बैठे थोड़ा आराम किए और यहाँ पे बस हम लोग अपना आराम करने के बाद बहुत सारे हंसी मजाक गुफ्तगु हुई। उसके बाद फिर ये सारे लोग, मैं सबका थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड कर ली हूँ और उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा था, बैलेंस नहीं बन पा रहा था हाथों का और जो भी सारी चीज़ें। यहाँ पे मेरे दूल्हा भाई बैठे हुए थे, यहाँ पे दूल्हा साइड में बैठा हुआ था और वो जो दूल्हे का छोटा भाई, मतलब हमारा छोटा भाई है, वो उधर बैठा हुआ था। उसके बाद हम लोग इधर बैठे थे और मैं सारा रिकॉर्ड कर रही थी ऐसे, और सही से उतना हो नहीं पाया है। और दादा के बिना इस बार मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, तो यहाँ पे मैं जिससे देख रही थी उससे अपना रिकॉर्ड करवा रही थी कि भाई मेरा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दो। तो काफ़ी हद तक मेरी कुछ सिस्टर लोग हैं उन्होंने मदद की ये सारे कुछ रिकॉर्ड करने में। उसके बाद यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा सोच रही थी कि जब मुझे कहीं ऐसे जाती हूँ मैं, तो मुझे उस टाइम पर ऐसे कपड़े चेंज होता है, तो मेरा ऐसा होता है कि रील बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे रेडी होकर रील बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है उसके बात करते हैं। उसके बाद फिर कुछ तरह इस तरह का, उसके बाद मुझे एक क्यूट मोमेंट देखने को मिला जो कि मेरा बेटी का था, वो मेरा बहन का बेटा के साथ था और ये दोनों बहुत अच्छे से खेल रहा था। और ये जो है नवाफ के तरह ही है और इसको ना नुहा भी नवाफ ही कह रही थी, नवाफ कर करके ही बात कर रही थी इसे, और उसके साथ ये खूब खेली। उसके बाद नुहा को ना बकरी दिखा और इसको बकरियों के साथ नुहा का बहुत ज़्यादा वाला खेल होता है, सो उसके साथ वो खेली बहुत। और हम लोग थोड़ा जो है बस्ती में जो गए थे उससे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे थोड़ा घूमे। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने लास्ट शाम हो रही थी उस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ वीडियोज़ और निकाल लेते हैं, नहीं तो उसके बाद तो फिर मेरी वीडियो नहीं निकल पाएगी और रात के टाइम फोटोज वीडियोस अच्छी नहीं आती, तो मैंने वो सारा ख़त्म किया। उसके बाद फिर हम आके पहुँचे दुल्हन के पास, यहाँ पे दुल्हन को रेडी कराया जा रहा है, वैसे रेडी हो चुकी थी, बस ऐसे कुछ थोड़ा बहुत जो मेरी दीदी है वो उसको कर रही थी। उसके बाद नुहा को मिली यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची प्यारी सी, उसके साथ भी नुहा बहुत ज़्यादा खेली। ये बच्ची किसकी है हमें नहीं पता बट यहाँ पर बहुत अच्छे से खेल रही थी नुहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। नुहा उसको ना बार बार हक करने भी जा रही थी और बस खेल रही थी। उसके बाद फिर हम आए नीचे की तरफ और यहाँ पे बस अभी विदाई होने वाली है दुल्हन की, जो एक बार तो विदाई ओरिजिनल वाली विदाई हुई थी, अब ये दोबारा से विदाई ये वाली हो रही है। सो यहाँ पे मैं बस पीछे पीछे दुल्हन के आ रही हूँ और दुल्हन को लेके जाया जा रहा है, दुल्हन का अपना रोना धोना चालू है और बस चलते हैं घर। और घर पे जाके नेक्स्ट हम मिलवाएंगे हमारी दुल्हन से, जो कि है कभी और। गाइस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ओहो एक चीज़ तो बाकी रह गया, एक लास्ट वाला म्यूज़िक भी सुनते हुए जाइएगा। जेनी, आज सीधा दे रखा। हाँ? सीधा दे रहा।